किसान भाइयों, आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है हमारे सफल किसान चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं संकर चैंपियन की फिर से एक नई अपडेट के साथ लेके आए हैं। जैसा कि मैं पिछला वीडियो आपको दे चुका हूं कि कितने दिनों की राई हुई थी, तो अभी हमारा 15 दिन का डाला हुआ वीडियो हो गया है और ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं आपके साथ। 60 दिन की फसल हो गई है। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये 2 महीने की फसल हो गई है हमारी। आप देख रहे हैं किस प्रकार से इसमें फूल निकल चुके हैं और कैसी ग्रोथ ले रहा है। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो हम खाद के बारे में बिल्कुल बताना चाहते हैं दोस्तों आपको कि इसमें कौन कौन सी खाद मैंने डाली थी। तो सर्वप्रथम मैं इसको जुताई से लगा के आज हम इसकी कटाई तक की सारी विधि बताएंगे दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको संकर चैंपियन राई या जो सरसों बोलते हैं उसकी सारी जानकारी आपको मिल सके। जैसा कि मैं बताया हूँ, 2 बांह कल्टीमीटर की किया था इसमें। 2 बांह कल्टीवेटर के करने के बाद मैं इसमें 1 दिन सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो सूखने के बाद दूसरे दिन मैं इसमें DAP के साथ 1 किलो बीज डाल दिए थे। 1 बीघा का खेत है मेरा। दिया बोने के बाद इसमें पाटा लगा दिया गया, जिसको मैं उसके बाद रोटावेटर किया। रोटावेटर के बाद मैंने पाटा लगा दिया। पाटा लगाने के बाद इसकी क्यारी कर दिए। इसकी क्यारी करने के बाद मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ, इसकी मैं 25 से 30 दिनों के बीच में मैं सिंचाई की थी। इसकी प्रथम सिंचाई 25 से 30 दिनों के बीच में मैंने इसकी की थी। अभी मैं ये बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि ये ग्रोथ किस प्रकार से लिया है, कितनी अच्छी ग्रोथ है, तो ये किस खाद का कमाल है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें जब मैं 1 बीघे में मैं जब फर्टिलाइजर लेके आया तो मेरी 40 kg फर्टिलाइजर थी। 40 kg यूरिया के साथ मैं सिंचाई की थी। यूरिया के साथ मैं उसमें दयाल कंपनी की सल्फर भी लगाया था। दयाल कंपनी की सल्फर WDG 90% ये लगाया था। तो इसमें क्या होता है, राई में अगर तुम सल्फर लगा दोगे तो सल्फर का बहुत ही बढ़िया ग्रोथ लेती है फसल सल्फर से। था दयाल कंपनी की सल्फर WDG 90% ये लगाया था। तो इसमें क्या होता है, राई में अगर तुम सल्फर लगा दोगे तो सल्फर का बहुत ही बढ़िया ग्रोथ लेती है फसल सल्फर से और शाखाएं भी ज़्यादा निकलती हैं। शाखाओं के साथ में जब तैयार होती है हमारी फसल तो सल्फर के माध्यम से हमको तेल की मात्रा ज़्यादा मिलती है खेतों में, मतलब कि बीजों में। जब हमको तेल की मात्रा ज़्यादा मिलती है तो उसमें परसेंटेज भी ज़्यादा हो जाता है तेल का, और तेल के परसेंटेज के साथ साथ उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो जैसा कि मैं इसमें प्रथम पानी लगाया था, अभी हम आपको फिर से बताने जा रहे हैं इसमें कम से कम 6 से 7 दिनों बाद हम दूसरा पानी लगाने के लिए तैयार होने जा रहे हैं, इसलिए कि इसका दूसरा पानी तैयार होने वाला है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की मिट्टी हो जाए नीचे की, तो आपको दूसरा पानी देना है। देख लीजिए किस प्रकार की सूख चुकी है मिट्टी और ये हमारे दूसरा पानी देने के लिए तैयार है। अब दूसरा पानी हम देंगे, इसमें हम फिर से फर्टिलाइजर लेके आएंगे, यूरिया जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन जिसको बोलते हैं। तो इस बार हम ज़्यादा मात्रा में यूरिया नहीं डालेंगे। फर्स्ट पानी में इसमें 1 बीघे का खेत था, मैं 40 kg यूरिया डाला था। इस बार मैं इसमें दोस्तों केवल 20 kg लगाऊंगा। 20 kg के साथ मैं इसमें फिर से 1 kg सल्फर लगाऊंगा WDG का, दयाल कंपनी का, और इसमें मैं 1 मोनोजिंक लगाऊंगा 5 kg की। मोनोजिंक लगाएंगे तो जिससे इसका ग्रोथ भी ज़बरदस्त चलेगा और जो इसकी बालियां होती हैं वो सूखती नहीं है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक दाना का उसमें पड़ना चालू हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन मोटा दाना हो जाता है। जैसा कि दोस्तों आज हम ये बताने जा रहे हैं कि 2 महीने की फसल है और आप देख सकते हैं किस प्रकार की ग्रोथ ले रही है। अगर ये आपको लास्ट तक वीडियो चाहिए और ये कितना पैदावार होती है और किस किस कंडीशन की इसमें बालियां होती हैं, पकने के टाइम कितना लेती है और ये कितने क्विंटल होगी, इसकी सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। इसी चैनल पे आप बराबर देखते रहिए। तो अगर आपको ये जानकारी चाहिए संकर चैंपियन की दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसलिए कि मैं इसकी 15 से 20 दिनों में फिर से नई अपडेट के साथ फिर से आपको नई वीडियो दूंगा। आपको संकर चैंपियन का पूरा वीडियो मिलेगा आपको, और जिस दिन इसकी कटाई होगी दोस्तों उस दिन भी हम वीडियो बना के आपको डालेंगे, जिससे आपको संकर चैंपियन की सटीक जानकारी प्राप्त हो सके कि ये आखिर होती कितने क्विंटल होती है 1 बीघे में। तो इसकी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
अगर किसान भाइयों ये जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए खेती संबंधित, तब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको नई नई वीडियो के साथ नई नई जानकारी दे सकें। क्योंकि जो हमारा ये चैनल है, इसमें हम सभी प्रकार की खेती संबंधित जानकारी देते हैं और बोने से लगा के कटाई तक की भी बताते हैं दोस्तों। तो अगर आपको नई नई खेती करनी है और अच्छी अच्छी चीज़ों की खेती करनी है, जैसे कि हमारे चैनल पे आप देख रहे हैं किस प्रकार की हमने इसमें लगा के रखी है खेती, उसी प्रकार से आप खेती कर सकते हैं और उसका सही बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो अगर आपने अभी हमारे तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच किसान भाइयों।